यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट तो देखने को मिल जाएगा, पर वाईफाई में एक इशू देखने मिलता है जिसमें लिखा हुआ नजर आएगा कनेक्ट टू डिवाइस कैन नॉट प्रोवाइड, काफी लो देखने मिलेगा। देख सकते हैं स्पीड आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, या इंटरनेट में अगर आप यहाँ पे कोई भी वीडियो को चलाइएगा तो वीडियो आपका यहाँ पे नहीं चलेगा, इस प्रकार का बफरिंग देखने को बैक होने में। फिर से इसी को ओपन करूंगा और ओपन करने बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पीड अब आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। स्पीड अगर आप रेडमी का मोबाइल यूज करते हैं और रेडमी के मोबाइल में जैसे आप यहाँ पे सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में जाने बाद आपको वाईफाई वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट तो देखने को मिल जाएगा, पर वाईफाई में एक इशू देखने मिलता है जिसमें लिखा हुआ नजर आएगा कनेक्ट टू डिवाइस कैन नॉट प्रोवाइड इंटरनेट, मतलब वाईफाई आपका कनेक्ट किया हुआ है पर इसमें इंटरनेट प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, या इंटरनेट आपका जो चलेगा काफी स्लो देखने को मिलेगा। आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है तो इस प्रकार के प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। उसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दूसरा डिवाइस है और इस पर अगर मैं सेटिंग में जाता हूँ और सेटिंग में जाने बाद वाईफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी इशू आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा और इसमें आप देख सकते हैं वैसा कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। और जैसे मैं अगर यहां पे YouTube को ओपन करता हूं या कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करूंगा तो इसमें इंटरनेट का कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलता है और इंटरनेट काफी फास्ट चलता है। और उसी प्रकार दोस्तों अगर इस डिवाइस में आप यहां पे देख सकते हैं तो हो सकता है कि आपको इंटरनेट ना चले, या इंटरनेट अगर आपका चलेगा तो काफी स्लो चलेगा, स्पीड आपको यहां पे काफी लो देखने को मिलेगा। देख सकते हैं स्पीड आपको यहां पे देखने को नहीं मिल रहा है, या इंटरनेट में अगर आप यहां पे कोई भी वीडियो को चलाइएगा तो वीडियो आपका यहां पे नहीं चलेगा, इस प्रकार का बफरिंग देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं ये प्रॉब्लम अगर आपको मिल रहा है तो ये प्रॉब्लम को आप कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेटिंग वाले ऑप्शन पे चले जाना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पे जैसे आप यहां पे जाते हैं, जाने के बाद नीचे स्क्रॉल करें, नीचे स्क्रॉल करने के बाद एप्स वाले ऑप्शन में जाना है और एप्स वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको जाना है मैनेज एप्स में। मैनेज एप्स में जाने बाद आपको सर्च में जाना है और सर्च में जाने बाद लिखना है सेटिंग। जैसे आप यहां पे सेटिंग लिखिएगा, सेटिंग लिखने के बाद आपको दो ऑप्शन सेटिंग का मिलेंगे, एक Xiaomi का सेटिंग मिलेगा और एक Android का सेटिंग देखने को मिल जाएगा। ऊपर वाले पे क्लिक कीजिएगा तो आप यहां पे देख सकते हैं Xiaomi का सेटिंग देखने को मिल जाता है। अगर आपने इसको अपडेट किया है तो आपको अनइंस्टॉल अपडेट कर लेना है, और अपडेट नहीं किया तो आपको क्लियर डाटा पे क्लिक करके क्लियर ऑल डाटा कर लेना है। मैं यहां पे क्या करता हूं, अनइंस्टॉल अपडेट कर लेता हूं। पहला प्रोसेस आपको यह कंप्लीट करना है। दूसरा सेटिंग मिलेगा एंड्रॉइड 13 एंड्रॉइड 12 जो भी रन कर रहा है वो आपको यहां पे ऑप्शन देखने मिलेगा और इसका भी क्लियर ऑल डाटा इस प्रकार से आपको यहां पे कर लेना है। ये करने के बाद दोबारा आपको सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद फिर से आपको एप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मैनेज एप्स में जाना है, देन आपको यहां पे लिखना है सिस्टम लॉन्चर। इस प्रकार से आपको यहां पे लिख लेना है सिस्टम लॉन्चर, ये देखने मिलेगा। और इसको अगर आपने अपडेट करके रखा हुआ है तो इससे भी इशू आपको देखने को मिल सकता है, तो आपको अनइंस्टॉल अपडेट कर लेना है और आपको क्लियर डाटा वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके क्लियर ऑल डाटा प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। यह प्रोसेस दोस्तों जब आप यहां पर कंप्लीट कर लेते हैं, कंप्लीट करने के बाद आपको यहां से बैक हो जाना है और बैक होने के बाद आपको यहां पर वेट करना है। वेट करने के बाद फिर से आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पर जैसे आप यहां पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा कनेक्शन एंड शेयरिंग का, इस पे आपको टैप करना है। और टैप करने के बाद दोस्तों आपको नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा रिसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क एंड ब्लूटूथ, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको रिसेट सेटिंग वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करें और जो भी पासवर्ड डाला वो डालने के बाद इसको आपको यहां पे रिसेट कर लेना है, तो आपको वाईफाई मोबाइल डाटा ब्लूटूथ रिसेट हो जाएगा, देन ओके पे क्लिक कर देना है। यह प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको यहां से बैक हो जाना है, देन सेटिंग में ही रहना है और सेटिंग में रहने के बाद फिर से आपको कनेक्शन एंड शेयरिंग वाले ऑप्शन पे चले जाना है। देन आपको यहां पे एक ऑप्शन देखने मिलेगा प्राइवेट डीएनएस का, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इसको ऑफ कर देना, ऑफ करने के बाद सेव पे क्लिक कर देना है। ये करने के बाद आपको यहां से बैक हो जाना है, बैक होने पर वाईफाई में जाना है और वाईफाई में जाने के बाद यहां पे स्कैन होना चालू हो जाएगा और जो भी वाईफाई आपको कनेक्ट करना है उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद पासवर्ड को डाल देना है, तो चलिए मैं यहां पर पासवर्ड को फिलअप कर देता हूं। जब आप यहां पे पासवर्ड को डाल देते हैं, पासवर्ड को डालने के बाद कनेक्ट पे क्लिक कर देना है और कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं वाईफाई कनेक्ट हो चुका है और अब इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको टैप टू शेयर पासवर्ड वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और उसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पे कोई भी इंटरनेट को ओपन करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा तो आपको जरा सा भी बफरिंग देखने को नहीं मिलेगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ से एक बैक हो जाता हूँ, बैक होने पर फिर से इसी को ओपन करूंगा और ओपन करने बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पीड अब आपको
यहाँ पे देखने मिलेगा, स्पीड में कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आती है। और जो भी आपको यहाँ पे यूज करना है, जो भी एप्लीकेशन यूज कीजिएगा, उसमें इंटरनेट का स्पीड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए।